नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम योगी का निर्देश, समान भवन संहिता से बदलेगी अयोध्या की सूरत। योगी सरकार अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए हजारों करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित है। अब अयोध्या की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाएंगी। इसके साथ ही एक बड़ी योजना अयोध्या के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें संविधान दिया गया है कि अयोध्या को एक रंग और एक फसाद के मॉडल पर बनाया जाए। इसके लिए अयोध्या महायोजना 2031 के तहत समान भवन संहिता लागू किया जाएगा। ये केवल राम पथ भक्ति पथ ही नहीं बल्कि महानगर के तमाम मार्गों, परिक्रमा, पथ के किनारे भवनों का लुक एक जैसा होगा। सीएम योगी की मेहनत ला रही है रंग, लुलु ग्रुप 6 और शॉपिंग मॉल खोलेगा 20,000 युवाओं की चांदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 शॉपिंग मॉल और एक होटल खोलने के लिए हाइपर मार्केट और रिटेल दिग्गज लुलु ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश संचार ने शॉपिंग मॉल और होटल खोलने के लिए मंगलवार को दुबई में लुलु ग्रुप के समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार लुलु ग्रुप नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज में 4500 रुपए के निवेश से शॉपिंग मॉल और हाइपर मार्केट खोलेगा। नोएडा के सेक्टर 108 में शॉपिंग मॉल परियोजना में एक 5 सितारा होटल भी होगा। यूपी बनेगा आईटी हब, इन 2 शहरों में बनेंगे आईटी कैंपस, आएगी 4,000 नई जॉब्स। उत्तर प्रदेश को नया आईटी हब बनाने की तैयारी है। इसके लिए यूपी के 2 प्रमुख शहरों नोएडा और लखनऊ को चुना गया है। नोएडा और लखनऊ में आईटी के लिए नए कैंपस बनने वाले हैं। इसके लिए 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये योजना राज्य में हजारों नई नौकरियां लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश के खन्ना ने भी इसके बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं संजय गोविल से मिला, उन्होंने यूपी में निवेश का आश्वासन दिया है। आईटी की मदद से पब्लिक हेल्थ सेक्टर बेहतर होगा। ये भारत और यूपी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले प्रदेश में 4,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। 2 से 3 सप्ताह में वो काम शुरू करेंगे। परिवहन विभाग खोलेगा 58 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, रेंट ऑन बाइक की सुविधा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 58 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसकी मंजूरी राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में दी गई है। इस दौरान 137 रोडवेज बसों के परमिट नवीनीकरण को भी मंजूरी दी गई है। एसटीए के अपर सचिव मयंक ज्योति ने बताया कि उत्तराखंड की तर्ज पर अब यूपी के पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए रेंट ऑन बाइक योजना को मंजूरी मिली है। आगरा की एक कंपनी ने आगरा में सेवा को शुरू करने की इच्छा जताई थी, इस पर मुहर लगा दी गई है। अभी कंपनी आगरा में किराए पर बाइक देगी, इसके लिए किराया निर्धारण किया जाएगा। इस सुविधा से आगरा घूमने आने वाले पर्यटकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। काशी विश्वनाथ धाम तक दौड़ेगी सोलर वाटर टैक्सी। काशी विश्वनाथ धाम तक जाने के लिए श्रद्धालु को गोदलिया और मैदागिन के जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। अप्रैल 2023 से ही रविदास और नमो घाट से विश्वनाथ धाम तक सोलर वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। इसके जरिए श्रद्धालु जलमार्ग से ही धाम तक पहुंच जाएंगे। कम खर्च वाले कम समय में ही दर्शन पूजन कर लेंगे। टैक्सी हर घंटे मिलेगी। काशी विश्वनाथ धाम को जलमार्ग से जोड़कर गंगा द्वार से श्रद्धालु के प्रवेश की योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। अगले साल अप्रैल से 2 सोलर वाटर टैक्सी का काशी विश्वनाथ धाम के समानांतर गंगा के दोनों ओर संचालन किया जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाएगी योगी सरकार, स्कॉलरशिप भी देगी। राज्य सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मेधावियों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी करवाएगी। इसके लिए कोचिंग चलाने वाली नामी संस्थानों को जोड़ा जाएगा और हर वर्ष लगभग 1,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के लिए गणित व विज्ञान विषय में राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा भी करवाई जाएगी। इन मेधावियों को स्नातक तक स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यूपी के इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, एजेड के भुगतान का आदेश। कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बाह्य प्रतिष्ठानों में 34 माह के ड्यूटी भत्ता के लंबित एजेड के भुगतान होमगार्ड स्वयंसेवकों के जन्मतिथि के विवादित प्रकरणों और दिवंगत होमगार्ड्स के नामिनी को अनुग्रह राशि के भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए। प्रजापति रेतिक परेड संपन्न होने के उपलक्ष्य में विभागीय अधिकारियों के साथ सामूहिक भोज में शामिल हुए। इसमें अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार, पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल विजय कुमार मौर्य सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। श्री प्रजापति ने 12 दिसंबर को आयोजित रैतिक परेड में शामिल सशस्त्र प्लाटूनों के कमांडर राजेश कुमार सिंह को 7,500, विनीता सिंह को 5,000 रुपए व हिमांशु वर्धन को 4,000 रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी थी।
किसान 31 दिसंबर तक कर सकते हैं फसल बीमा। रबी की फसल में प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात व अन्य कारणों से फसलों में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा कंपनी फसलों का बीमा कर रही है। उपनिदेशक कृषि डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी ने किसानों से अपील की है कि 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करवा लें। किसानों के गेहूं, टमाटर व आम में फसल में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाएगा। बीमा कराने के लिए किसानों को खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो स्टेट कॉपी देनी होगी। साथ ही किसानों की बीमित फसल की धनराशि भी बैंक में जमा करानी होगी। किसान फसलों का बीमा जन सेवा केंद्र या फिर जनपद स्तरीय प्रतिनिधि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया कार्यालय पर संपर्क करके बीमा करवा सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए अब 24 तक कर सकते हैं आवेदन। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए अब 24 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की आखिरी तिथि बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख अब 26 दिसंबर कर दी गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक कर दी गई है। शिक्षण संस्थाएं आवेदन पत्रों का सत्यापन 2 जनवरी तक कर सकेंगी। इसके बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रयागराज के किसानों को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किसानों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। प्रयागराज शहर में प्रदेश का पहला जैविक उत्पादों का बाजार बनकर तैयार हो गया है। जनवरी के पहले सप्ताह में इसका विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। इसमें जिले में जैविक खेती कर रहे 6,554 किसानों को तोहफा मिलेगा ही साथ ही साथ शहर के लोगों को भी जैविक सब्जी घर बैठे मंगाने का मौका मिलेगा। प्रयागराज में गंगा किनारे इसे 110 गाँव के 6,554 किसानों के जैविक उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाना किसानों के लिए बड़ी समस्या थी। उपनिदेशक कृषि विनोद कुमार बताते हैं कि प्रयागराज जिले में 3,790 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। योगी सरकार की जैविक खेती के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन नीति से समय के साथ किसानों का रुझान तेजी से जैविक खेती के प्रति बढ़ गया है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।